प्रदेश की दूसरे नगर निगम में शुमार धर्मशाला का वर्ष 2020-21 के लिए 139,83,896 रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया, जो कि गत वर्ष के बजट की अपेक्षा 22% अधिक है। मेयर देवेंद्र जग्गी ने डिप्टी मेयर ओमकार नेहरिया, कमिश्नर प्रदीप ठाकुर, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मधु चौधरी और समस्त पार्षदों की उपस्थिति में बजट प्रस्तुत किया गया। प्रदेश के दूसरे नगर निगम में शुमार धर्मशाला का वर्ष 2020-21 के लिए 139,83,896 रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया, जो कि गत वर्ष के बजट की अपेक्षा 22% अधिक है। धर्मशाला में आयोजित विशेष सत्र में मेयर देवेंद्र जग्गी ने डिप्टी मेयर ओमकार नेहरिया, कमिश्नर प्रदीप ठाकुर, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मधु चौधरी और समस्त पार्षदों की उपस्थिति में बजट प्रस्तुत किया। बजट में निगम प्रशासन ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर अपनी आय बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 150 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बजट में शहर की सड़कों, नालियों, गलियों, रास्तों, पुलियों के निर्माण के लिए 30 करोड़, सीवरेज के लिए 20 करोड़, शहर की स्वच्छता के लिए 5 करोड़, शहर में पार्किंग के लिए 10 करोड़, शौचालयों की मुरम्मत हेतु 50 लाख, स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1 करोड़, शहर में पार्कों के लिए 1 करोड़, निगम क्षेत्र में नालों के तटीकरण व भू संरक्षण के लिए 5 करोड़, गौ संरक्षण के लिए 15 लाख, प्राकृतिक आपदा के लिए 3 करोड़ और शहर में मनोरंजन केंद्र बनाने के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि नगर निगम का वर्ष 2020-21 के लिए 39,83,896 रुपए का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पुरानी स्कीमें तो ली गई हैं, साथ ही कुछ नई स्कीमें भी शुरू की गई हैं। इस बार का बजट पिछले वर्ष की अपेक्षा 22% अधिक है। निगम ने जन सहभागिता के विकास योजना प्रस्तावित की है, जो कि निगम की नई योजना है। सोलर रूफ टॉप में भी 5% का लाभ दिया जाएगा। नगर निगम धर्मशाला के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि इस वर्ष को सैनिटेशन पर फोकस करेंगे। डंपिंग साइट पर 4 मशीनें लग चुकी हैं। सैनिटरी कैंपेन में हर घर से डोर टू डोर कलेक्ट करना अनिवार्य किया जाएगा। डंपिंग साइट पर भी 20 लोगों की टीम रखी जा रही है, जो कि प्रतिदिन कूड़ा सेग्रीगेट करेंगे। मेयर देवेंद्र जग्गी ने निगम की आय बढ़ाने के लिए विज्ञापन नियमों को स्वीकृति प्रदान दी गई है। शहर में कोई भी बैनर, पोस्टर या विज्ञापन बोर्ड लगेंगे, उसके लिए निगम की अनुमति अनिवार्य होगी तथा इसके लिए फीस निर्धारित की गई है। इस बार का बजट हमने 139,83,000 का पेश किया है, जिसमें हमने सभी स्कीम्स जो पुरानी थी वो तो ली हमने, जैसे सड़कों के लिए नई सड़कें उसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा है, पार्किंग के लिए रखा है, सीवरेज के लिए 20 करोड़ का रखा है और सैनिटेशन के लिए हमने 5 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन और स्वीपिंग और जो कंपोस्टिंग पिट हैं वो सारे इसमें हमने चालू वर्ष के जो हमारा बजट है उसमें सब इंतजाम किए हुए हैं। हाँ, ये बजट पिछले बजट से 22% ये अधिक है। पिछला बजट जो था 114 करोड़ के लगभग था और इसमें हमने कॉरपोरेशन ने पहली बार सरकार की जो भारत सरकार की जो योजना थी उसके अनुसार कॉरपोरेशन ने अपनी योजना बनाई है। जो भारत सरकार की योजना थी वो थी विकास में जन सहयोग और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला में इस बजट में ये प्रस्तावित की है जन सहभागिता से विकास और ये अपने आप में एक नई योजना है। इसमें हमने इसको 50-50% का किया है। 50% जो बेनिफिशियरी होंगे वो देंगे और 50% अमाउंट जो है वो कॉरपोरेशन देगी। हालांकि भारत सरकार की 70-30 रेशो की इसमें स्कीम थी। सोलर रूफटॉप जो है उसमें भी हमने 5% का इंसेंटिव अपना कॉरपोरेशन की तरफ से दिया है। जो भी अपने घर पे सोलर रूफटॉप लगाएगा और बिजली पैदा करेगा उसको हम 5% इंसेंटिव उसमें और देंगे उसके प्रोजेक्ट में। कूड़े को निष्पादन के लेके हमने इस ये जो वर्ष है ये सारा हम इसमें सैनिटेशन पे इसका फोकस करेंगे ज़्यादातर। इसमें जो हमने अभी हमारे जो डंपिंग साइट है उसमें 4 मशीन्स हमारी लग चुकी हैं और जो मार्च महीने में हमारा जो टेंडर हमारा अवार्ड हो गया पिछले कल, उसमें हम लोगों ने स्वीपिंग और डोर टू डोर कलेक्शन और ये मैंडेटरी किया कि हर घर से कूड़ा वो उठाएंगे और वो कूड़ा भी जो है वो सेग्रीगेटेड होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर डंपिंग साइट पे अगर कूड़ा इकट्ठा पहुंचता है सॉलिड वेस्ट और दूसरा, तो वहाँ पे हम लोग 20 लोगों की टीम वहाँ पे रख रहे हैं जो डेली का डेली कूड़ा जो है सेग्रीगेट करेंगे और जो जो वेट वेस्ट होगा उसकी कंपोस्ट तैयार करेंगे और प्लास्टिक, सिंगल प्लास्टिक जो है
उसकी हम श्रेडिंग करके उसको पीडब्ल्यूडी या फिर सीमेंट प्लांट से उनसे बात हुई है, अभी हमने काफ़ी इकट्ठा किया है। तो जो आने वाला जो ये हमारा वर्ष है उसको हम सैनिटेशन में धर्मशाला शहर को जो कि भारतवर्ष में जो चुनिंदा शहर हैं जो स्वच्छ और स्वस्थ हैं उसकी श्रेणी में खड़ा करेंगे।